हर वो काम जिससे मना किया जाना चाहिए, कि यहाँ पे बोर्ड भी लगे हुए हैं, मतलब गोरे भी अड्डे को चंगे नहीं है, मना किया कि शेर दे ज्यादा चढ़ के घुड़सवारी नहीं करनी, तो यहाँ पे पुलिस भी फिर रही है। अरे देखो यार किसे चढ़न रही थे भी देखना पाई, ये देखिए लाइन लगी हुई है बड़ी लंबी सी, और पिक्चर खिंचवाने के लिए यहाँ पे आपको बिग बैन बैकग्राउंड में मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, ग्रिपन ट्रिप का नया एपिसोड, और इस वक्त आपका भाई मौजूद है बिग बैन, जिसके बारे में शायद ने फरमाया है तू कैंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठमुकदा। तो पार्लियामेंट स्क्वायर पे इस वक्त मैं खड़ा हुआ, यहाँ पे बड़ा ही अहम पॉइंट है ये, लिहाजा है ना कि मैं उसको काट दें, मैं फटाफट अपनी गल कर लवा। व्यू के विंटर वीलॉग का जो मेरा सफर था वो लंदन पहुंचा था, और आज मैं आया हूँ जो यूके की जो मोस्ट फेमस आइकॉनिक जगह है लंदन की। अगर ये एस्टेब्लिश करना हो किसी फिल्म ड्रामे में कि लंदन शहर है, तो बिग बैन का शॉट दिखाया जाता है, और ये सबसे अहम और सबसे खूबसूरत एरिया है इस इलाके का। इसके पीछे साथ ही लंदन आई भी है। वैसे तो मैं मेरे पास आपको बताया था मेरे पास कार्ड आ गया है, और मैं बहुत चौंका हो गया वहाँ, और मैं फिर रहा हूँ अन्य वार ट्यूब्स के ऊपर सफ़र करके। और ट्यूब की अच्छी बात यह है कि आप सेंट्रल लंदन में जितना मर्जी सफ़र करें 8.15 pounds आपका काटा जाएगा मैक्सिमम। ये कैब लगी हुई है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, टूरिस्ट हजरात के लिए ज़बरदस्त मामला है कि आपका जितना मर्जी आप सेंट्रल लंदन Zone 1 Zone 2 में ट्रैवल करें, आपका जो मैक्सिमम पेमेंट है वो 8.15 pounds की ही होगी। तो ऐसा सुनने के बाद मैं और शौका हो गया। वैसे तो धूप निकली हुई है लंदन में, जब भी आप अपना ट्रैवल प्लान करें मौसम को लाजमी देख लें, मैंने नहीं देखा था, लेकिन आज मुझे धूप मिली है क्योंकि सारी रात बारिश होती रही है और बड़ी तेज हवा चल रही थी यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौसम ठीक है, धूप शुभ निकल आई है। अभी अपना हम सफर करेंगे ट्रफेलगर स्क्वायर से, और वहां से वॉक करते हुए रास्ते में जो भी निजाम आएगा उसको देखते हुए पहुंचेंगे बिग बैन टावर, और साथ में एंड में कुछ यहाँ पे हलाल फूड हंट करेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा। लंदन में सफर करने के लिए ट्यूब एक बहुत बड़ी नेमत है जो आपका वक्त और पैसे दोनों बचाती है। इसको इस्तेमाल करना भी निहायत आसान है, कम्युनिकेशन बहुत सादा अंदाज में की गई है। वैसे तो गूगल मैप भी वही रास्ता बताता है, मगर यहाँ ज़्यादातर सिटी मैपर ऐप यूज़ की जा रही है। लंदन शहर को 6 zones में तकसीम किया गया है, और फिर भी इसी बात पर बनता है कि आपने कितने जोन क्रॉस किए हैं, जबकि पेमेंट मेथड में ऑयस्टर कार्ड जो आप 7 pounds में किसी भी स्टेशन पर लगी मशीन से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल पे, एप्पल पे और यूके का डेबिट क्रेडिट कार्ड जिसमें कॉन्टैक्ट लेस फीचर हो। मैं ह्यूस्टन से ट्रैफलिगर स्क्वायर के लिए सफ़र कर रहा हूँ। यहाँ से नेशनल रेल बर्मिंगम, लिवरपूल, मैनचेस्टर और ग्लासगो की तरफ भी जाती हैं। ये बहुत बड़ा स्टेशन है। मुझे नॉर्दर्न लाइन ट्यूब से जाना है, और मेरा स्टॉप है चेरिंग क्रॉस। स्टेशन से बाहर निकलते हुए जब आप कार्ड दोबारा टैप करते हैं, तो सिस्टम खुद ही आपके स्टॉप के हिसाब से आपका फेयर काट लेता है। ह्यूस्टन से विक्टोरिया और नॉर्दर्न लाइन ट्यूब्स चलती हैं। अगर आपको ट्यूब बदलनी भी हो तो अंडरग्राउंड ही स्टेशन चेंज किया जा सकता है। इन ट्यूब्स को लंदन ट्रैफिक की लाइफलाइन कहा जाए तो गलत ना होगा, और मैं उन दिमागों को सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने 150 साल पहले ये मनसूबाबंदी की। अल्लाह हमें भी ऐसे दिमाग अता फरमाए। वैसे तो लंदन काफ़ी महंगा शहर है, लेकिन सेंट्रल लंदन में आप जितना मर्जी सफ़र करें आपका मैक्सिमम किराया 8.10 pounds ही बनेगा, जो टूरिस्ट के लिए बहुत बड़ी सहूलत है। विक्टोरिया स्टेशन भी सेंट्रल लंदन का एक बड़ा स्टेशन है। यहाँ से भी दूसरे शहरों के लिए ट्रेन्स चलती हैं, और ट्रफेलगर स्क्वायर के बिल्कुल करीब वाक़या है। आज धूप के साथ भी जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ठंडा है, और जो ट्रफेलगर स्क्वायर है ये लंदन का बहुत ही फेमस और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी ज़्यादातर मुजाहरे होते हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ या किसी भी चीज़ के लिए, वो ट्रफेलगर स्क्वायर में होते हैं। अक्सर वो भी लिखा होता है चलो चलो ट्रफेलगर स्क्वायर चलो। पीछे नेशनल गैलरी है, ये म्यूज़ियम है, और इसके अलावा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ राइट लेफ़्ट काफ़ी एम्बेसीज हैं, कैनेडियन और साउथ अफ्रीकन झंडे लगे हुए हैं, तो यहाँ की ये एम्बेसीज होंगी मेरे ख्याल से।
ट्रैफलगर स्क्वायर उस जंग की याद में बनाया गया था जो ब्रिटिश नेवी ने जीती थी नेपोलियनिक वॉर में स्पेन और फ्रांस के साथ, जबकि ये जो ट्रैफलगर स्क्वायर का इलाका है ये है जी स्पेन में। कोई मुजाहरा वगैरह करना हो तो वो इधर ही होता है, स्टेज चेक करो इधर की हो रहा है। बाकी इस जगह पे बहुत ज्यादा कबूतर हुआ करते थे, मैंने जो पुरानी तस्वीरें देखी हैं ट्रफेल्गर स्क्वायर पे हर तरफ कबूतर ही कबूतर हुआ करते थे। 2011 में फिर यहाँ पे पाबंदी लगा दी गई कबूतरों को खाना खिलाने पे, क्योंकि ये छोटे से एरिया में 35,000 कबूतर हो गए थे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्थ हैजर्ड वाला निज़ाम बन गया था। सिटी ऑफ वेस्ट मिस्टर है, उन्होंने इस चीज़ पर पाबंदी लगाई और कबूतरों का जो है निज़ाम उन्होंने चेंज किया। अब यहाँ पे आपको इक्का दुक्का कबूतर नज़र आता है और वो भी वो जो खुद से मेहनती है जिसे खुद से करके खानी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बसेज आती हैं, हॉप ऑन बिग बस, लंदन सिटी टूर, सारी बसेज यहाँ मेरे पीछे भी खड़ी हुई है, सारी बसेज जो हैं वो यहाँ से लाजमी गुजरती हैं। हर वो काम जिससे मना किया जाना चाहिए कि यहाँ पे बोर्ड भी लगे हुए हैं, मतलब गोरे भी अड्डे को चंगे नहीं है, मना किया कि शेर दे ज़्यादा चढ़ के घुड़सवारी नहीं करनी, तो यहाँ पे पुलिस भी फिर रही है। चेरिंग क्रॉस से 2 मिनट की वॉक थी ट्रफेल्गर स्क्वायर की और उसको देखने के बाद, उसको कवर करने के बाद मैं जा रहा हूँ जी बिग बैन टावर और जो वेस्टमिंस्टर इनका पैलेस है वहाँ पे। ट्रफेल्गर स्क्वायर से बिग बैन आपको नज़र आ जाता है और ये हार्डली 7-8 मिनट की वॉक है, आप गूगल मैप से भी लगा सकते हैं और वैसे आपको ये दूर से नज़र भी आ रहा होता है। ट्रफेल्गर स्क्वायर से जब आप बिग बैन की तरफ जाते हैं तो ये 10 मिनट की वॉक बनती है और जैसे ही आप 2 मिनट वॉक करते हैं तो राइट साइड पे हॉर्स गार्ड परेड का एक बिल्डिंग आ जाती है, काफ़ी पुराना इनका चर्च है शायद, बिल्डिंग तो चर्च टाइप लग रही है। तो यहाँ पे जो हॉर्स गार्ड है ना उनकी परेड होती है और यहाँ पे बड़ा रश होता है। ये देखिए यहाँ पे कितना रश लगा हुआ है कि लोग वेट कर रहे हैं, जैसे ही 1 घंटा मुकम्मल होगा तो यहाँ पे इन गार्ड की परेड होगी तो इनको देखेंगे। अपने हीरोज़ को याद रखने में और अपने कल्चर को प्रिजर्व करने में ये लोग क्या ही बात है। जगह जगह पे इनके जो वॉर हीरोज़ थे, इनके जो इंजीनियर्स थे जिन्होंने रेलवे में काम किया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हर शोभा जो है उसको लेके इन्होंने उन लोगों की यादगारें बनाई हुई हैं, उनके नामों को जिंदा रखा हुआ है। और ये जो सड़क है जो ट्रफेल्गर स्क्वायर से जाती है बिग बैन की तरफ, ये सड़क पूरी भरी हुई है इन लोगों से। आगे वर्ल्ड वॉर 2 की जो लेडीज़ हैं उनकी एक मॉन्यूमेंट बनी हुई है, आगे कोई इनका मार्शल आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। और बिल्डिंग जो है वो भी कोई 150-200 साल पुरानी है। और यहाँ का जो लंदन में जो वॉक है वो इस रोड पे लाजमी की जाती है जो भी बंदा यहाँ पे आता है। यहाँ का रश जो है वो बता रहा है, कैमरा मन कर नहीं सकता एम पढ़िया जावा, तो रश यहाँ पे जो है वो ही बताता है लंदन में जब आप आए तो आप सड़क पे लाजमी सफर करते हैं। पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर के नॉर्थ वेस्ट पर एक स्क्वायर है जिसके सेंटर में एक छोटा सा ग्रीन पार्क है। इस पार्क में मुख्तलिफ जगहों पर तारीखी शख्सियात के स्टेचूज हैं। इस स्क्वायर के वेस्ट में जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, ईस्ट में हाउस ऑफ पार्लियामेंट, नॉर्थ में गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव व्हाइट हॉल, जबकि साउथ में चर्च सेंट मार्गरेट की इमारत है। Thank you.
यहाँ पे बहुत ज्यादा टूर आए हुए हैं और उनके साथ गाइड हैं, और मैंने जरा बहाने के साथ उनकी बातें सुनने की कोशिश की है कि चलो मिनिमम थोड़ी इन्फॉर्मेशन मुझसे लग जाएगी, लेकिन वो जिस मुल्क के ग्रुप हैं वो लैंग्वेज भी अपनी ही बोल रहे हैं, लिहाजा मेरा मुफ्ता नहीं लग सकता। वेस्टमिंस्टर पैलेस और बिग बैन के जो सेंटर में चौक बनता है, ये पार्क है और यहाँ पे स्टेचूज लगे हुए हैं उन लोगों के जिन्होंने ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत एफर्ट की, डेमोक्रेसी के लिए बहुत एफर्ट की, जिसमें महात्मा गांधी का मुजस्मा मेरे पीछे देख रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई है देख के। यहाँ पे नेल्सन मंडेला का मुजस्मा भी मौजूद है। इसके अलावा इनके अपने जो किंग थे, कुछ किंग जॉर्ज कैनिंग, वैसे चर्चिल भी लगी है, वो पता नहीं क्यों लास्ट, लेकिन चलो इन्हें तो ये थी खैर। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं जी, वो सबसे पीछे ये है जी अब्राहम लिंकन साहब का मुजस्मा, जिन्होंने सिविल वॉर लड़ी और अमेरिका को ग़ुलामी से निजात दिलाया, और अब्राहम लिंकन की जो कंट्रीब्यूशन है वो अमेरिकन हिस्ट्री में लाजवाब है, इसलिए इनका भी यहाँ पे मुजस्मा लगाया गया है। और भी बहुत से लोग जिन्होंने मैं जानते ही नहीं, उन सब के यहाँ पे स्टेचूज खड़े किए गए हैं। इस टेलीफोन बूथ की लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैकग्राउंड में आपको बिग बैन मिल जाता है और लंदन आने का जो है वो सिलसिला पूरा हो जाता है। देखो है किसे चढ़न रही थे बेबी डिगना पाई, ये देखिए लाइन लगी हुई है बड़ी लंबी सी और पिक्चर खिंचवाने के लिए यहाँ पे आपको बिग बैन बैकग्राउंड में मिल जाएगा, ये सारी लाइन लगी हुई है। अच्छा एक चीज़ जो मैंने ज़बरदस्त यहाँ पे नोटिस की है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे साइकिल चल रही हैं, औरतें मर्द बूढ़े बच्चे लड़कियाँ सब लोग साइकिल चला रहे हैं, और साइकिल के लिए अलग-अलग से लेंस बनी हुई है, और ये माहौल दोस्त भी है और आपकी फिटनेस के लिए भी अच्छा है। मुझे जब याद पड़ता है तो मैंने सिर्फ अपनी स्कूल लाइफ में साइकिल चलाई थी। पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर के एलिजबेथ टावर का असल नाम क्लॉक टावर था, जो 2012 में मलका एलिजबेथ की डायमंड जुबली के मौका पर क्लॉक टावर से बदलकर एलिजबेथ टावर रख दिया गया। इस टावर में एक घड़ी है जिसकी 5 घंटियां हैं, और इन 5 में से सबसे बड़ी घंटी का नाम बिग बैन है। 316 फुट ये लंबा टावर 1859 में बनाया गया, जिसे बने अब तक 165 साल हो चुके हैं। अगर आप यूके ट्रैवल सीरीज का पहला दिन देखना चाहते हैं जो मेरा लंदन में गुजरा, तो यहाँ क्लिक करें।